तो यहाँ पर देखिए एक्वेरियम और भी हैं आपको, लगातार मैं एक्वेरियम और एक्वेरियम के अंदर का नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ, इसमें दिखाते जा रहा हूँ। ये देखिए ये एक और वैरायटी है फिश का, और बिल्कुल समुद्री सेटअप में कितना ज़्यादा एट्रैक्टिव लग रहा है ये। इस फिश का नाम है दोस्तों रेबिट फिश। फिशेस के नाम आप एक्वेरियम के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी फिशेस हैं उसका नाम एक्वेरियम के ऊपर होता है। इस फिश का नाम है रेबिट फिश। दोस्तों यहाँ पर देखिए लॉबस्टर है, ये समुद्री लॉबस्टर, प्रॉन का ही बड़ा फॉर्म होता है ये लॉबस्टर। सी फूड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लॉबस्टर को खाया जाता है, आप लोग को भी पता होगा। काफ़ी टेस्टी फिश होता है लॉबस्टर। और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही बड़ा एक्वेरियम है दोस्तों, कितना बड़ा एक्वेरियम है। फिशेस देख सकते हैं कितने बड़े बड़े फिशेस हैं इसके अंदर, 30-40 किलो के फिशेस आप लोग देख पाएंगे। देखिए कितना ज़्यादा पानी है, बहुत ही बड़ा एक्वेरियम है दोस्तों। इसके अंदर हजारों लीटर पानी होगा, कम से कम 10,000 लीटर पानी होगा इसके अंदर, ज़्यादा ही होगा, आई थिंक 1 लाख लीटर पानी होगा इसके अंदर, ऐसा लग रहा है। देख सकते हैं कितना बड़ा एक्वेरियम है, बिल्कुल जो आप बाहर से दिखा रहे थे आपको वही है ये। ये एक एक्वेरियम है, पानी आता रहता है इसके अंदर, और बड़े बड़े मछलियां हैं इसके अंदर। चलिए ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए सूरत एक्वेरियम के अंदर हैं इस वक्त, और आपको यहाँ का एक्वेरियम का नज़ारा दिखा रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टूरिज़्म से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं लेकर आपको। तो कुछ इस तरह का है नेक्स्ट स्लाइड, इसके अंदर भी मछलियाँ हैं। इसके अंदर चार तरह की मछलियाँ हैं, 4 स्ट्राइप डैमसेल, ब्लैक लायन बटरफ्लाई, स्मोक एंजल और थ्रेड फिन बटरफ्लाई। तो ये मछलियों के नाम हैं। नेक्स्ट मछली के ऊपर चलते हैं, देखते हैं अगला स्लाइड में कौन सा एक्वेरियम है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी हैं छोटे छोटे मछलियाँ हैं, जो कि पत्थरों के पीछे छुपे हुए हैं इस वक्त। लेकिन सभी स्लाइड्स में, सभी एक्वेरियम में कुछ न कुछ मछलियाँ डाले गए हैं। घूमते घूमते आपको सारा एक्वेरियम दिखाने का यहाँ पर मेरा प्रयास जारी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, EEL करके एक स्पीसीज है, कुछ इस तरह का है, लंबे से आकार है, कुछ सांप सा इसका आकार है, और इसके बॉडी का जो बनावट है उस पर आप कुछ दाग सा देख सकते हैं, वाइट और ब्लैक पैच है, जो कि आप अगर पानी में डायरेक्ट देखें तो आप डर भी सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे काटने वाला हो। काफ़ी यूनिक स्पेसिस देखने को मिला ये। यहाँ पर कुछ छोटे मछलियाँ हैं, ये ब्लू कलर वाली मछलियाँ देखिए कितना ज़्यादा एट्रैक्टिव है। इन सारे स्लाइड्स के ऊपर मछलियों के नाम आपको देखने को मिल जाता है, बनाना रस और ब्लू आइस कार्डिनल नाम से ये मछलियाँ हैं। तो ये सारे जो स्लाइड्स हैं एक्वेरियम के आप यहाँ पर देख पाते हैं।
काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है दोस्तों। अगर आप सूरत आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। देखिए यहाँ पर एक बड़ा सेटअप है एक्वेरियम का, इसके अंदर बहुत ही प्रकार की मछलियाँ हैं। देखिए देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव है और थोड़ा बड़ा भी है ये एक्वेरियम साइज में। पानी भी इसके अंदर ज़्यादा है। ये मछलियों के नाम है जो इसके अंदर है। इस एक्वेरियम के अंदर जो मछलियां हैं उसके नाम नाम आपको देखने को मिल जाता है एक्वेरियम के ऊपर। इस वुडन पैनल पे बैठना मना है, ऐसा लिखा हुआ है उस पर, क्योंकि इसको मछलियों के लिए बनाया गया है। तो कोई भी वुडन पैनल जो है यहाँ पर बना हुआ उस पर कृपया ना बैठे। देखिए कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव सेटअप है यहाँ पर। धीरे धीरे आपको स्लाइड्स दिखाते जा रहा हूँ मैं। मछलियों की वैरायटी दिखाते जा रहा हूँ। क्वीन रेसी ये मछलियों के नाम है, क्वीन रेसी। वाओ, ये देखिए दोस्तों कौन से स्पीसीज है ये। इसका नाम है सी ब्रांडेड स्नेक, सी ब्रांडेड स्नेक। देखिए सी ब्रांडेड स्नेक है ये, जो कि समुद्र में पाया जाता है, सी ब्रांडेड स्नेक। और ये है रिवोनेल। रिवोनेल बिल्कुल रिवन की तरह दिख रहा है ये। देखिए दोस्तों बिल्कुल रिवन की तरह है, ब्लैक और येलो कलर। रिवोनेल नाम है इसका, जो समुद्र में पाया जाता है। काफ़ी यूनिक क्रिएचर है, काफ़ी यूनिक स्पीसीज है। और ये देखिए दोस्तों बहुत ही बड़ी मछलियां हैं इस स्लाइड के अंदर, इस एक्वेरियम के अंदर। थोड़ा ये बड़ा साइज का एक्वेरियम है तो इसके अंदर ये बड़ी फिशेस देख सकते हैं। ये सारे मछलियां समुद्र में पाए जाते हैं, तो आपको